चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिबिंब तथा उनका अनुप्रयोग। ये हमारे BA6 सेम के अंदर फोर्थ लेसन है, प्रतिबिंब यानी कि इमेजरीज एंड द देयर एप्लीकेशन। तो परिचय हम देख हम परिभाषा पढ़ते हैं कि प्रतिबिंब ये क्या है। तो आप पढ़ चुके हैं कि विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा का संसूचन दो तरीके से होता है, एक तो फोटोग्राफ विधि से और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक विधि से। फोटोग्राफ विधि से ऊर्जा विचरण के लिए प्रकाश संवेदी फिल्म यानी कि लाइट सेंसिटिव फिल्म अर्थात नेगेटिव का प्रयोग किया जाता है। दूसरी ओर स्कैनिंग प्रणाली प्रतिबिंबों को आंकी रूप प्राप्त करती है। यानी कि जो फोटोग्राफ विधि उसमें तो क्या होता है, नेगेटिव पर एक फिल्म जो क्या फिल्म बनती है, यानी कि नेगेटिव का प्रयोग किया जाता है फिल्म बनाने के लिए उसकी। लेकिन इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक विधि है उसके अंदर जो अपना सुदूर संवेदन जो आ जाता है यानी सेटेलाइट जो आ जाती है वो क्या है कि स्कैनिंग प्रणाली प्रतिबिंबों का अनुरूप आंकिक रूप प्राप्त करती है, यानी कि डिजिटल आंकड़े देती है हमें। तो परिभाषा, प्रतिबिंब किसी क्षेत्र विशेष को संसूचित व अभिलेखित की गई ऊर्जा का चित्र रूप में प्रदर्शन करता है। यानी कि प्रतिबिंब किसी क्षेत्र विशेष के संसूचित व अभिलेखित यानी कि संसूचित यानी कि इकट्ठी की गई अभिलेखित की गई ऊर्जा का चित्र रूप में प्रदर्शन करता है। अर्थात इसमें क्या नाम है, क्या चित्र मिल जाता है हमें। इसके विपरीत फोटो चित्र उन प्रतिबिंब चित्रों से संबंधित है जो फोटोग्राफिक फिल्म पर अभिलेखित होते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि सभी फोटोग्राफ प्रतिबिंब है लेकिन सभी प्रतिबिंब फोटोग्राफ नहीं है। मतलब है कि प्रतिबिंब है वो ये कहा जा सकता है कि सभी फोटोग्राफ प्रतिबिंब तो है लेकिन सभी प्रतिबिंब जो है वो फोटोग्राफ नहीं है। तो सबसे और हम देख लेते हैं कि प्रतिबिंबों के जो प्रकार पर टाइप हो इमेज में बता देना चाहता हूँ। इमेज इमेज फोटो और पिक्चर में अंतर होता है। ये अंतर क्या है, यानी कि जो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फोटो फोटो होती है जो हम कैमरे से खिंचवाते हैं वो कैमरे में होती है, और जो बाहर निकाली जाती है खींचने के बाद उसे इमेज कहते हैं। और जो हम किसी पिक्चर पिक्चर यानी कि जब हम किसी चीज़ की पिक्चर कोरते हैं, जैसे कोई रंगोली कोरते किसी फोटो हमने कोर दी वो पिक्चर कहलाती है। तो ये अलग अलग अंतर होता है, आप एक ना समझे इन्हें। तो हम बात करते हैं आगे संसूचन व अभिलेखन की प्रक्रिया के आधार पर प्रतिबिंबों के दो वर्गों में बांटा जा सकता है, फोटोग्राफिक प्रतिबिंब यानी कि फोटोग्राफिक इमेज और आंकीय प्रतिबिंब डिजिटल इमेज। फोटोग्राफिक प्रतिबिंब इमेज में क्या होता है, प्रतिबिंब यानी कि इमेज फोटोग्राफी विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में अर्थात 0.3 से 0.9 माइक्रोमीटर में ही प्राप्त किए जाते हैं। यानी कि जो फोटोग्राफिक है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य इतने में प्राप्त किए जाते हैं, इतने माइक्रोमीटर के एरिया में प्राप्त किए जाते हैं। चार भिन्न प्रकार के इमल्सन वाली फोटोग्राफी में प्रयोग की जाती है। यह श्याम सफेद रंगीन श्याम सफेद अवरक्त रंगीन अवरक्त होती है, यानी कि वाइट और रंगीन और श्याम सफेद अवरक्त ये कुछ अलग अलग प्रकार की होती है। तो प्राय हवाई फोटोग्राफी के अंतर्गत सफेद तथा श्याम फिल्मों का उपयोग किया जाता है, यानी कि हवाई फोटोग्राफी के अंदर सफेद या श्याम सफेद दोनों का ही प्रयोग कर लिया जाता है। अंकीय प्रतिबिंब यानी कि डिजिटल अंकीय प्रतिबिंब वे होते हैं जो अलग अलग पिक्चरों तत्वों के मेल से बनते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ इसके अंदर अंतर जान लेते हैं कि अंतर क्या होता है इसके अंदर, इन दोनों में अंतर क्या है, वायु फोटो और प्रतिबिंब में अंतर क्या है। अब ध्यान से देखेंगे तो इससे कंफर्म हो जाएगी प्रतिबिंब में क्या है, वायु फोटो एरियल फोटो और इमेजरीज। वायु फोटो मूलतः सदृश्य एनालॉग रूप में पैदा की जाती हैं, प्रतिबिंब मूलतः अंकीय रूप में यानी कि डिजिटल फॉर्म में होते हैं, ये सदृश्य रूप में होते हैं। सदृश्य मतलब जैसा दिखाई दे रहा है वैसा ही हमें दिखाई देता है, यानी कि लेकिन ये सदृश्य नहीं होती है, डिजिटल फॉर्म में होते हैं। इसकी रचना फोटोग्राफिक फिल्म से होती है और इसकी रचना लाइन स्कैनर या अंकीय कैमरे यानी कि डिजिटल कैमरा से होती है। तो आप देख सकते हैं लाइन स्कैनर अलग होता है, जो लाइन वाइज लाइन क्या है इस एरिया की है वो स्कैनिंग करता चलता है, लेकिन इसके फोटोग्राफी फिल्म से होती है। वायु फोटो पिक्सल नहीं होते,
यानी कि पिक्सल का मतलब क्या है कि पिक्सल वो होते हैं जैसे कि एक फोटो के अंदर बिल्कुल ही छोटे छोटे पिक्सल, जैसे कि आपको धुंधली फोटो खींच लेना और उसके जूम करके देखना तो आपको वो डब्बे से दिखाई देंगे, तो उसे कहते हैं पिक्सल। तो इसमें वाइब फोटो में पिक्सल नहीं होते, और पिक्सल प्रतिबिंब का मुख्य आधार है, और यहाँ प्रतिबिंब पिक्सल का मुख्य आधार है। इसमें स्कैनिंग रेखा नहीं होती, तो आपको पता है स्कैनिंग रेखा नहीं होती, सिर्फ एक सीधी फोटो खींच ली जाती है, और इसमें स्कैनिंग रेखाएं होती हैं। तो इसमें स्कैनिंग रेखाएं पहले ही कह दिया कि लाइन्स के अंदर जैसे कि, और वाइब फोटो में शून्य किसी आंकड़ा का घोतक नहीं है, शून्य किसी आंकड़े का घोतक नहीं है, और प्रतिबिंब में शून्य वह मूल्य जो आंकड़े को उपस्थिति को दर्शाता है। इसमें किसी भी स्थान को अंकित नहीं किया जाता, यानी कि जो देखिए आप एरियल फोटो लेंगे तो उसमें अंदर कोई भी स्थान ऐसे नहीं कि उसके अंकित कर सकते हैं, लेकिन इसमें हर स्थान को अंकित किया जाता है। फोटोग्राफी विधि चुंबकीय स्पेक्ट्रम के फोटोग्राफिक खंड तक सीमित होती है, प्रतिबिंब विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किसी भी भाग में प्राप्त किया जाता है, यानी कि ये जो स्पेक्ट्रम है जहाँ हमें दिखाई देता है उसी स्पेक्ट्रम में यूज होते हैं, जैसे कि जो स्पेक्ट्रम में दिखाई देता है उसमें ही, लेकिन हर स्पेक्ट्रम में इसका उपयोग किया जाता है। एक बार निश्चित करने से फोटोग्राफ का रंग परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी कि एक बार अगर आपने डिसाइड कर लिया कि फोटो का ऐसा रंग होगा दोबारा के उसका चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसमें रंग की कोई निश्चित भूमिका नहीं होती और प्रक्रम के दौरान इसे बदला जा सकता है, और जब प्रोसेसिंग की जाती है तो उसे बदल सकती है, लेकिन इसमें ऐसी सुविधा नहीं होती। उसके बाद में हम बात करेंगे आगे इसके अंदर देख लेते हैं, इन तत्वों को पिक्सल कहा जाता है। इन तत्वों को क्या पिक्सल कहा जाता है, यानी कि जो हम पहले देखा था अंतर देखने से पहले हमने ये देखा था कि अंकीय प्रतिबिंब क्या होता है। अंकीय प्रतिबिंब होते हैं जो अलग अलग तत्वों अलग अलग पिक्सल तत्वों के मेल से बनते हैं। और उसके बाद में बात करते हैं कि इन तत्वों के को पिक्सल कहा जाता है। पृथ्वी में हर पिक्सल का एक रंग अंकीय मान होता है, और जो धरातल के द्विमीय बिंबों को अंकित करता है। अंकीय मानों को अंकित नंबर डीएन कहा जाता है। एक एक अंकीय नंबर पिक्सल के विकिरण मान का औसत होता है। यह मान संवेदक द्वारा प्राप्त विद्युत चुंबकीय ऊर्जा पर आधारित है। इसकी गहनता का स्तर इसी रेंज का व्यक्त करता है। किसी भी अंकीय प्रतिबिंब में वस्तुओं से संबंधित विवरण पिक्सलों के आकार से प्रभावित होते हैं। छोटे आकार के पिक्सल दृश्य के विवरण को प्रभावशाली ढंग से संजोते हैं, और अंकीय प्रतिबिंब के एक सीमा से अधिक परिवर्धन यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट सूचनाओं का हास होता है, और केवल पिक्सल ही दिखाई देते हैं। और अंकीय प्रतिबिंब वर्णक्रम एल्गोरिथम के उपयोग से डिजिटल नंबर जिस ऊर्जा की तीव्रता को मानों को निरूपित करते हैं उन्हें दर्शाया जाता है। तो इसके अंदर ये सारी प्रोसेसिंग होती है। ये थोड़ा सा आपको बार बार पढ़ेंगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगी, लेकिन फिर भी हम कोशिश करें। प्रतिबिंब गुण और दोष से पता चल जाएगा कि फोटो यानी कि मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ इमेज। प्रतिबिंब के क्या गुण दोष है, फोटो सेंसर की तुलना प्रतिबिंब के अनेक गुण हैं। प्रतिबिंबों को अंकीय सूचना देते हैं जिसे अंतरिक्ष भूमि पर मापा जा सकता है, यानी कि डिजिटल फोन जिसे क्या है अंकीय सूचना देते हैं जिसे अंतरिक्ष भूमि पर मापा जा सकता है। पृथ्वी में फिल्म से संबंध पुनः प्राप्ति की समस्या नहीं रहती, यानी कि फिल्म संबंधित यानी कि दोबारा प्राप्ति की समय एक समय में ही जो खींच लिया जाता है दोबारा दोबारा यूज प्रतिबिंब लेने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रतिबिंब द्वारा 0.3 माइक्रोमीटर से लेकर के 1 माइक्रोमीटर तक सुदूर संवेदन संभव, जबकि फोटोग्राफी की जो भी केवल 0.3 माइक्रोमीटर से लेकर 0.9 माइक्रोमीटर तक ही सुदूर संवेदन हो सकते हैं। प्रतिबिंब को स्पेक्ट्रल विभेदन ऊंचा होता है, यानी कि जो किसी वस्तु को भेदने की क्षमता है स्पष्ट दिखाने की क्षमता है वो ऊंचा होता है इसका। इसको रेडियोमेट्रिक विभेदन भी ऊंचा होता है, यानी कि रेडियोमेट्रिक विभेदन भी ऊंचा होता है। प्रतिबिंब का धरातलीय विभेदन भी उत्तम प्रकार का होता है, और प्रतिबिंब की सूचनाओं को संचित किया जा सकता है, उन्हें उत्पन्न उत्पादित किया जा सकता है। प्रतिबिंब से उत्पन्न आंकड़ों के प्रयोग से लोच होती है। प्रतिबिंब को उत्पन्न परिणामों को पुनरावृत्ति हो सकती है। प्रतिबिंब अवगुण और दोष ये है कि इसमें प्राप्त वह इसके परक्रमण करने में उच्च कोटि की तकनीक की जरूरत पड़ती है। धन्यवाद, हम इस वीडियो में यहाँ तक करेंगे, अगले वीडियो में आगे डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे
प्रतिबिंब तथा उनका अनुप्रयोग। ये हमारे बी ए सिक्स सेम के अंदर फोर्थ लेसन है, प्रतिबिंब यानी कि इमेजरीज एंड द देयर एप्लीकेशन। तो परिचय हम देख परिभाषा पढ़ते हैं कि प्रतिबिंब ये क्या है। तो आप पढ़ चुके हैं कि विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का संसूचन दो तरीके से होता है, एक तो फोटोग्राफ विधि से और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक विधि से। फोटोग्राफ विधि से ऊर्जा विचरण के लिए प्रकाश संवेदी फिल्म यानी कि लाइट सेंसिटिव फिल्म अर्थात नेगेटिव का प्रयोग किया जाता है। दूसरी ओर स्कैनिंग प्रणाली प्रतिबिंबों को आंकी रूप प्राप्त करती है। यानी कि जो फोटोग्राफ विधि है उसमें तो क्या होता है, नेगेटिव पर एक फिल्म जो फिल्म बनती है यानी कि नेगेटिव का प्रयोग किया जाता है फिल्म बनाने के लिए उसकी। लेकिन इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक विधि है उसके अंदर जो अपना सुदूर संवेदन जो आ जाता है यानी सेटेलाइट जो आ जाती है वो क्या है कि स्कैनिंग प्रणाली प्रतिबिंबों का अनुरूप आंकिक रूप प्राप्त करती है यानी कि डिजिटल आंकड़े देती है हमें। तो परिभाषा, प्रतिबिंब किसी क्षेत्र विशेष को संसूचित व अभिलेखित की गई ऊर्जा का चित्र रूप में प्रदर्शन करता है। यानी कि प्रतिबिंब किसी क्षेत्र विशेष के संसूचित व अभिलेखित यानी कि इकट्ठी की गई अभिलेखित की गई ऊर्जा का चित्र रूप में प्रदर्शन करता है। अर्थात इसमें क्या चित्र मिल जाता है हमें। इसके विपरीत फोटो चित्र उन प्रतिबिंब चित्रों से संबंधित है जो फोटोग्राफिक फिल्म पर अभिलेखित होते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि सभी फोटोग्राफ प्रतिबिंब है लेकिन सभी प्रतिबिंब फोटोग्राफ नहीं है। मतलब है कि प्रतिबिंब है वो ये कहा जा सकता है कि सभी फोटोग्राफ प्रतिबिंब तो है लेकिन सभी प्रतिबिंब जो है वो फोटोग्राफ नहीं है। तो सबसे और हम देख लेते हैं कि प्रतिबिंबों के जो प्रकार है टाइप को इमेज में बता देना चाहता हूँ। इमेज इमेज फोटो और पिक्चर में अंतर होता है। ये अंतर क्या है, इनकी जो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फोटो फोटो होती है जो हम कैमरे से खिंचवाते हैं वो कैमरे में होती है और जो बाहर निकाली जाती है खींचने के बाद उसे इमेज कहते हैं। और जो हम किसी पिक्चर पिक्चर यानी कि जब हम किसी चीज़ की पिक्चर कोड़ते हैं जैसे कोई रंगोली कोड़ते हैं किसी फोटो हमने कोड़ दी वो पिक्चर कहलाती है। तो ये अलग अलग अंतर होता है, आप एक ना समझें। तो हम बात करते हैं आगे संसूचन व अभिलेखन की प्रक्रिया के आधार पर प्रतिबिंबों के दो वर्गों में बांटा जा सकता है, फोटोग्राफिक प्रतिबिंब यानी कि फोटोग्राफिक इमेज और आंकीय प्रतिबिंब डिजिटल इमेज। फोटोग्राफिक प्रतिबिंब इमेज में क्या होता है, प्रतिबिंब यानी कि इमेज फोटोग्राफी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में अर्थात 0.3 से 0.9 माइक्रोमीटर में ही प्राप्त किए जाते हैं। यानी कि जो फोटोग्राफिक है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य इतने में प्राप्त किए जाते हैं, इतने माइक्रोमीटर के एरिया में प्राप्त किए जाते हैं। चार भिन्न प्रकार के इमल्शन वाली फोटोग्राफी में प्रयोग की जाती है। यह श्याम समेत रंगीन श्याम समेत अवरक्त रंगीन अवरक्त होती है। यानी कि वाइट और रंगीन और श्याम समेत अवरक्त ये कुछ अलग अलग प्रकार की होती है। तो प्राय हवाई फोटोग्राफी के अंतर्गत श्वेत तथा श्याम फिल्मों का उपयोग किया जाता है। यानी कि हवाई फोटोग्राफी के अंदर श्वेत या श्याम श्वेत दोनों का ही प्रयोग कर लिया जाता है। अंकीय प्रतिबिंब यानी कि डिजिटल अंकीय प्रतिबिंब वे होते हैं जो अलग अलग पिक्चरों तत्वों के मेल से बनते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ इसके अंदर अंतर जान लेते हैं कि अंतर क्या होता है इसके अंदर, इन दोनों में अंतर क्या है, वायु फोटो और प्रतिबिंब में अंतर क्या है। अब ध्यान से देखेंगे तो इससे कंफर्म हो जाएगी प्रतिबिंब भी क्या है। वायु फोटो एरियल फोटो और इमेजरीज। वायु फोटो मूलतः सदृश एनालॉग रूप में पैदा की जाती हैं, प्रतिबिंब मूलतः अंकीय रूप में यानी कि डिजिटल फॉर्म में होते हैं, ये सदृश रूप में होते हैं। सदृश मतलब जैसा दिखाई दे रहा है वैसा ही हमें दिखाई देता है यानी कि, लेकिन ये सदृश नहीं होती है, डिजिटल फॉर्म में होते हैं। इसकी रचना फोटोग्राफिक फिल्म से होती है और इसकी रचना लाइन स्कैनर या अंकीय कैमरे यानी कि डिजिटल कैमरा से होती है। तो आप देख सकते हैं लाइन स्कैनर अलग होता है, जो लाइन वाइज लाइन क्या है किसी एरिया की है वो स्कैनिंग करता चलता है, लेकिन इसके फोटोग्राफी फिल्म से होती है। वायु फोटो में पिक्सल नहीं होते,
यानी कि पिक्सल का मतलब क्या है कि पिक्सल वो होते हैं जैसे कि एक फोटो के अंदर बिल्कुल ही छोटे छोटे पिक्सल, जैसे कि आपको धुंधली फोटो खींच लेना और उसके जूम करके देखना तो आपको वो डब्बे से दिखाई देंगे, तो उसे कहते हैं पिक्सल। तो इसमें वाइब फोटो में पिक्सल नहीं होते, वो पिक्सल प्रतिबिंब का मुख्य आधार है, और यहाँ प्रतिबिंब पिक्सल का मुख्य आधार है। इसमें स्कैनिंग रेखा नहीं होती, तो आपको पता है स्कैनिंग रेखा नहीं होती, सिर्फ एक सीधी फोटो खींच ली जाती है, और इसमें स्कैनिंग रेखाएं होती हैं। तो इसमें स्कैनिंग रेखाएं पहले ही कह दिया कि लाइन्स के अंदर जैसे कि, और वाइब फोटो में शून्य किसी आंकड़ा का घोतक नहीं है, शून्य किसी आंकड़े का घोतक नहीं है, और प्रति में शून्य वह मूल्य जो आंकड़े को उपस्थिति को दर्शाता है। इसमें किसी भी स्थान को अंकित नहीं किया जाता, यानी कि जो देखिए आप एरियल फोटो लेंगे तो उसमें अंदर कोई भी स्थान ऐसे नहीं कि उसको अंकित कर सकते हैं, लेकिन इसमें हर स्थान को अंकित किया जाता है। फोटोग्राफी विधि चुंबकीय स्पेक्ट्रम के फोटोग्राफिक खंड तक सीमित होती है, प्रतिबिंब विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किसी भी भाग में प्राप्त किया जाता है, यानी कि ये जो स्पेक्ट्रम है जहाँ हमें दिखाई देता है उसी स्पेक्ट्रम में यूज होते हैं, जैसे कि जो स्पेक्ट्रम में दिखाई देता है उसमें ही, लेकिन हर स्पेक्ट्रम में इसका उपयोग किया जाता है। एक बार निश्चित करने से फोटोग्राफ का रंग परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी कि एक बार अगर आपने डिसाइड कर लिया कि फोटो का ऐसा रंग होगा दोबारा के उसका चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसमें रंग की कोई निश्चित भूमिका नहीं होती और प्रक्रम के दौरान इसे बदला जा सकता है, और जब प्रोसेसिंग की जाती है तो उसे बदला सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसी सुविधा नहीं होती। उसके बाद में हम बात करेंगे आगे इसके अंदर देख लेते हैं, इन तत्वों को पिक्सल कहा जाता है। इन तत्वों को क्या पिक्सल कहा जाता है, यानी कि जो हम पहले देखा था अंतर देखने से पहले हमने ये देखा था कि अंकीय प्रतिबिंब क्या होता है। अंकीय प्रतिबिंब होते हैं जो अलग अलग तत्वों अलग अलग पिक्सल तत्वों के मेल से बनते हैं। और उसके बाद में बात करते हैं कि इन तत्वों के को पिक्सल कहा जाता है। पृथ्वी में हर पिक्सल का एक रंग अंकीय मान होता है, और जो धरातल के द्विमीय बिंबों को अंकित करता है। अंकीय मानों को अंकित नंबर डीएन कहा जाता है। एक एक अंकीय नंबर पिक्सल के विकिरण मान का औसत होता है। यह मान संवेदक द्वारा प्राप्त विद्युत चुंबकीय ऊर्जा पर आधारित है। इसकी गहनता का स्तर इसी रेंज को व्यक्त करता है। किसी भी अंकीय प्रतिबिंब में वस्तुओं से संबंधित विवरण पिक्सलों के आकार से प्रभावित होते हैं। छोटे आकार के पिक्सल दृश्य के विवरण को प्रभावशाली ढंग से संजोते हैं, और अंकीय प्रतिबिंब के एक सीमा से अधिक परिवर्धन यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट सूचनाओं का हास होता है, और केवल पिक्सल ही दिखाई देते हैं। और अंकीय प्रतिबिंब वर्णक्रम एल्गोरिथम के उपयोग से डिजिटल नंबर जिस ऊर्जा की तीव्रता को मानों को निरूपित करते हैं उन्हें दर्शाया जाता है। तो इसके अंदर ये सारी प्रोसेसिंग होती है। ये थोड़ा सा आपको बार बार पढ़ेंगे तब तो थोड़ा समझ में आ जाएगी, लेकिन फिर भी हम कोशिश करें, प्रतिबिंब गुण और दोष से पता चल जाएगा कि फोटो यानी कि मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इमेज, प्रतिबिंब के क्या गुण दोष है। फोटो सेंसर की तुलना प्रतिबिंब के अनेक गुण हैं। प्रतिबिंबों को अंकीय सूचना देते हैं जिसे अंतरिक्ष भूमि पर मापा जा सकता है, यानी कि डिजिटल फोन जिसे क्या है अंकीय सूचना देते हैं जिसे अंतरिक्ष भूमि पर मापा जा सकता है। पृथ्वी में फिल्म से संबंध पुनः प्राप्ति की समस्या नहीं रहती, यानी कि फिल्म संबंधित यानी कि दोबारा के दोबारा क्या प्राप्ति की समय एक समय में ही जो खींच लिया जाता है दोबारा दोबारा यूज प्रतिबिंब लेने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रतिबिंब द्वारा 0.3 माइक्रोमीटर से लेकर के 1 माइक्रोमीटर तक सुदूर संवेदन संभव है, जबकि फोटोग्राफी की जो भी केवल 0.3 माइक्रोमीटर से लेकर 0.9 माइक्रोमीटर तक ही सुदूर संवेदन हो सकते हैं। प्रतिबिंब को स्पेक्ट्रल विभेदन ऊंचा होता है, यानी कि जो किसी वस्तु को भेदने की क्षमता है स्पष्ट दिखाने की क्षमता है वो ऊंचा होता है इसका। इसको रेडियोमेट्रिक विभेदन भी ऊंचा होता है, यानी कि रेडियोमेट्रिक विभेदन भी ऊंचा होता है। प्रतिबिंब का धरातलीय विभेदन भी उत्तम प्रकार का होता है, और प्रतिबिंब की सूचनाओं को संचित किया जा सकता है, उन्हें उत्पन्न उत्पादित किया जा सकता है। प्रतिबिंब से उत्पन्न आंकड़ों के प्रयोग से लोच होती है। प्रतिबिंब को उत्पन्न परिणामों को पुनरावृत्ति हो सकती है। प्रतिबिंब अवगुण और दोष ये है कि इसमें प्राप्त वह इसके परक्रमण करने में उच्च कोटि की तकनीक की जरूरत पड़ती है। धन्यवाद, हम इस वीडियो में यहाँ तक करेंगे, अगले वीडियो में आगे डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे
प्रतिबिंब तथा उनका अनुप्रयोग। ये हमारे BA 6 सेम के अंदर फोर्थ लेसन है, प्रतिबिंब यानी कि इमेजरीज एंड द देयर एप्लीकेशन। तो परिचय हम देख हम परिभाषा पढ़ते हैं कि प्रतिबिंब ये क्या है। तो आप पढ़ चुके हैं कि विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा का संसूचन दो तरीके से होता है, एक तो फोटोग्राफ विधि से और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक विधि से। फोटोग्राफ विधि से ऊर्जा विचरण के लिए प्रकाश संवेदी फिल्म यानी कि लाइट सेंसिटिव फिल्म अर्थात नेगेटिव का प्रयोग किया जाता है। दूसरी ओर स्कैनिंग प्रणाली प्रतिबिंबों को आंकी रूप प्राप्त करती है, यानी कि जो फोटोग्राफी थी उसमें तो क्या होता है नेगेटिव पर एक फिल्म जो क्या फिल्म बनती है, यानी कि नेगेटिव का प्रयोग किया जाता है फिल्म बनाने के लिए उसकी। लेकिन इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक विधि है उसके अंदर जो अपना सुदूर संवेदन जो आ जाता है यानी सेटेलाइट जो आ जाती है वो क्या है कि स्कैनिंग प्रणाली प्रतिबिंबों का अनुरूप आंकिक रूप प्राप्त करती है, यानी कि डिजिटल आंकड़े देती है हमें। तो परिभाषा, प्रतिबिंब किसी क्षेत्र विशेष को संसूचित व अभिलेखित की गई ऊर्जा का चित्र रूप में प्रदर्शन करता है, यानी कि प्रतिबिंब किसी क्षेत्र विशेष के संसूचित व अभिलेखित यानी कि संसूचित यानी कि इकट्ठी की गई अभिलेखित की गई ऊर्जा का चित्र रूप में प्रदर्शन करता है। अर्थात इसमें क्या चित्र मिल जाता है हमें। इसके विपरीत फोटो चित्र उन प्रतिबिंब चित्रों से संबंधित है जो फोटोग्राफिक फिल्म पर अभिलेखित होते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि सभी फोटोग्राफ प्रतिबिंब है लेकिन सभी प्रतिबिंब फोटोग्राफ नहीं है। मतलब है कि प्रतिबिंब है वो ये कहा जा सकता है कि सभी फोटोग्राफ प्रतिबिंब तो है लेकिन सभी प्रतिबिंब जो है वो फोटोग्राफ नहीं है। तो सबसे और हम देख लेते हैं कि प्रतिबिंबों के जो प्रकार पर टाइप को इमेज में बता देना चाहता हूँ। इमेज इमेज फोटो और पिक्चर में अंतर होता है। ये अंतर क्या है इनकी, जो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फोटो फोटो होती है जो हम कैमरे से खिंचवाते हैं वो कैमरे में होती है और जो बाहर निकाली जाती है खींचने के बाद उसे इमेज कहते हैं। और जो हम किसी पिक्चर पिक्चर यानी कि जब हम किसी चीज़ को किसी चीज़ की पिक्चर कोरते हैं जैसे कोई रंगोली कोरते हैं किसी फोटो हमने कोर दी वो पिक्चर कहलाती है। तो ये अलग अलग अंतर होता है आप एक ना समझें। तो हम बात करते हैं आगे संसूचन व अभिलेखन की प्रक्रिया के आधार पर प्रतिबिंबों के दो वर्गों में बांटा जा सकता है। फोटोग्राफिक प्रतिबिंब यानी कि फोटोग्राफिक इमेज और आंकीय प्रतिबिंब डिजिटल इमेज। फोटोग्राफिक प्रतिबिंब इमेज में क्या होता है प्रतिबिंब यानी कि इमेज फोटोग्राफी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में अर्थात 0.3 से 0.9 माइक्रोमीटर में ही प्राप्त किए जाते हैं, यानी कि जो फोटोग्राफिक है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य इतने में प्राप्त किए जाते हैं, इतने माइक्रोमीटर के एरिया में प्राप्त किए जाते हैं। चार भिन्न प्रकार के इमल्सन वाली फोटोग्राफी में प्रयोग की जाती है। यह श्याम समेत रंगीन श्याम समेत अवरक्त रंगीन अवरक्त होती है, यानी कि वाइट और रंगीन और श्याम समेत अवरक्त ये कुछ अलग अलग प्रकार की होती है। तो प्राय हवाई फोटोग्राफी के अंतर्गत श्वेत तथा श्याम फिल्मों का उपयोग किया जाता है, यानी कि हवाई फोटोग्राफी के अंदर श्वेत या श्याम श्वेत दोनों का ही प्रयोग कर लिया जाता है। अंकीय प्रतिबिंब यानी कि डिजिटल अंकीय प्रतिबिंब वे होते हैं जो अलग अलग पिक्चरों तत्वों के मेल से बनते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ इसके अंदर अंतर जान लेते हैं कि अंतर क्या होता है इसके अंदर, इन दोनों में अंतर क्या है, वायु फोटो और प्रतिबिंब में अंतर क्या है। अब ध्यान से देखेंगे तो इससे कंफर्म हो जाएगी प्रतिबिंब क्या है। वायु फोटो एरियल फोटो और इमेजरीज। वायु फोटो मूलतः सदृश्य एनालॉग रूप में पैदा की जाती हैं, प्रतिबिंब मूलतः अंकीय रूप में यानी कि डिजिटल फॉर्म में होते हैं, ये सदृश्य रूप में होते हैं। सदृश्य मतलब जैसा दिखाई दे रहा है वैसा ही हमें दिखाई देता है, यानी कि लेकिन ये सदृश्य नहीं होती है डिजिटल फॉर्म में होते हैं। इसकी रचना फोटोग्राफिक फिल्म से होती है और इसकी रचना लाइन स्कैनर या अंकीय कैमरे यानी कि डिजिटल कैमरा से होती है। तो आप देख सकते हैं लाइन स्कैनर अलग होता है जो लाइन वाइज लाइन के है किसी एरिया की है वो स्कैनिंग करता चलता है, लेकिन इसके फोटोग्राफी फिल्म से होती है। वायु फोटो में पिक्सल नहीं होते,
यानी कि पिक्सल का मतलब क्या है कि पिक्सल वो होते हैं जैसे कि एक फोटो के अंदर बिल्कुल ही छोटे छोटे पिक्सल, जैसे कि आपको धुंधली फोटो खींच लेना और उसके जूम करके देखना तो आपको वो डब्बे से दिखाई देंगे, तो उसे कहते हैं पिक्सल। तो इसमें वाइब फोटो में पिक्सल नहीं होते, वो पिक्सल प्रतिबिंब का मुख्य आधार है, और यहाँ प्रतिबिंब पिक्सल का मुख्य आधार है। इसमें स्कैनिंग रेखा नहीं होती, तो आपको पता है स्कैनिंग रेखा नहीं होती, सिर्फ एक सीधी फोटो खींच ली जाती है, और इसमें स्कैनिंग रेखाएं होती हैं, तो इसमें स्कैनिंग रेखाएं पहले ही कह दिया कि लाइंस के अंदर जैसे कि, और वाइब फोटो में शून्य किसी आंकड़ा का द्योतक नहीं है, शून्य किसी आंकड़े का द्योतक नहीं है, और प्रतिबिंब में शून्य वह मूल्य जो आंकड़े को उपस्थिति को दर्शाता है। इसमें किसी भी स्थान को अंकित नहीं किया जाता, यानी कि जो देखिए आप एरियल फोटो लेंगे तो उसमें अंदर कोई भी स्थान ऐसे नहीं कि उसको अंकित कर सकते हैं, लेकिन इसमें हर स्थान को अंकित किया जाता है। फोटोग्राफी विधि चुंबकीय स्पेक्ट्रम के फोटोग्राफिक खंड तक सीमित होती है, प्रतिबिंब विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किसी भी भाग में प्राप्त किया जाता है, यानी कि ये जो स्पेक्ट्रम है जहाँ हमें दिखाई देता है उसी स्पेक्ट्रम में यूज होते हैं, जैसे कि जो स्पेक्ट्रम में दिखाई देता है उसमें ही, लेकिन हर स्पेक्ट्रम में इसका उपयोग किया जाता है। एक बार निश्चित करने से फोटोग्राफ का रंग परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी कि एक बार अगर आपने डिसाइड कर लिया कि फोटो का ऐसा रंग होगा दोबारा के उसका चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसमें रंग की कोई निश्चित भूमिका नहीं होती और प्रक्रम के दौरान इसे बदला जा सकता है, और जब प्रोसेसिंग की जाती है तो उसे बदल सकती है, लेकिन इसमें ऐसी सुविधा नहीं होती। उसके बाद में हम बात करेंगे आगे इसके अंदर देख लेते हैं इन तत्वों को पिक्सल कहा जाता है। इन तत्वों को क्या पिक्सल कहा जाता है, यानी कि जो हम पहले देखा था अंतर देखने से पहले हमने देखा था कि अंकीय प्रतिबिंब क्या होता है। अंकीय प्रतिबिंब होते हैं जो अलग अलग तत्वों अलग अलग पिक्सल तत्वों के मेल से बनते हैं। और उसके बाद में बात करते हैं कि इन तत्वों को पिक्सल कहा जाता है। प्रतिबिंब में हर पिक्सल का एक रंग अंकीय मान होता है और जो धरातल के द्विमीय बिंबों को अंकित करता है। अंकीय मानों को अंकित नंबर डीएन कहा जाता है। एक अंकीय नंबर पिक्सल के विकिरण मान का औसत होता है। यह मान संवेदक द्वारा प्राप्त विद्युत चुंबकीय ऊर्जा पर आधारित है। इसकी गहनता का स्तर इसी रेंज को व्यक्त करता है। किसी भी अंकीय प्रतिबिंब में वस्तुओं से संबंधित विवरण पिक्सलों के आकार से प्रभावित होते हैं। छोटे आकार के पिक्सल दृश्य के विवरण को प्रभावशाली ढंग से संजोते हैं और अंकीय प्रतिबिंब के एक सीमा से अधिक परिवर्धन यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट सूचनाओं का हास होता है और केवल पिक्सल ही दिखाई देते हैं। और अंकीय प्रतिबिंब वर्णक्रम एल्गोरिथम के उपयोग से डिजिटल नंबर जिस ऊर्जा की तीव्रता को मानों को निरूपित करते हैं उन्हें दर्शाया जाता है। तो इसके अंदर ये सारी प्रोसेसिंग होती है। ये थोड़ा सा आपको बार बार पढ़ेंगे तब तो थोड़ा समझ में आ जाएगी, लेकिन फिर भी हम कोशिश करें। प्रतिबिंब गुण और दोष से हमें पता चल जाएगा कि फोटो यानी कि मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इमेज। प्रतिबिंब के क्या गुण दोष है, फोटो सेंसर की तुलना प्रतिबिंब के अनेक गुण हैं। प्रतिबिंबों को अंकीय सूचना देते हैं जिसे अंतरिक्ष से भूमि पर मापा जा सकता है, यानी कि डिजिटल फोन जिसे क्या है अंकीय सूचना देते हैं जिसे अंतरिक्ष से भूमि पर मापा जा सकता है। पृथ्वी में फिल्म से संबंध पुनः प्राप्ति की समस्या नहीं रहती, यानी कि फिल्म संबंधित यानी कि दोबारा के दोबारा क्या प्राप्ति की समय एक समय में ही जो खींच लिया जाता है दोबारा दोबारा यूज प्रतिबिंब लेने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रतिबिंब द्वारा 0.3 माइक्रोमीटर से लेकर के 1 माइक्रोमीटर तक सुदूर संवेदन संभव है, जबकि फोटोग्राफी की जो भी केवल 0.3 माइक्रोमीटर से लेकर 0.9 माइक्रोमीटर तक ही सुदूर संवेदन हो सकते हैं। प्रतिबिंब को स्पेक्ट्रल विभेदन ऊंचा होता है, यानी कि जो किसी वस्तु को भेदने की क्षमता है स्पष्ट दिखाने की क्षमता है वो ऊंचा होता है इसका। इसको रेडियोमेट्रिक विभेदन भी ऊंचा होता है, यानी कि रेडियोमेट्रिक विभेदन भी ऊंचा होता है। प्रतिबिंब का धरातलीय विभेदन भी उत्तम प्रकार का होता है और प्रतिबिंब की सूचनाओं को संचित किया जा सकता है, उन्हें उत्पन्न उत्पादित किया जा सकता है। प्रतिबिंब से उत्पन्न आंकड़ों के प्रयोग से लोच होती है। प्रतिबिंब को उत्पन्न परिणामों को पुनरावृत्ति हो सकती है। प्रतिबिंब अवगुण और दोष ये है कि इसमें प्राप्त वह इसके परक्रमण करने में उच्च कोटि की तकनीक की जरूरत पड़ती है। धन्यवाद, हम इस वीडियो में यहाँ तक करेंगे, अगले वीडियो में आगे डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।